अरे देवर जी। हाँ भाभी, हरी सब्जी खत्म हो गई है और दाल चावल भी आज खत्म हो जाएंगे। शाम को जाए तो लेते आना। रहन दो, मैं लेते आऊंगा। सुनो। हाँ हाँ, क्या लेते आओगे? हाँ, देवर जी की शादी हो गई है, बीबी आ गई है, कल को उनके बच्चे भी हो जाएंगे, जिंदगी भर तुम ही लेके आओगे? हाँ, पिछले हफ्ते साग सब्जी दाल चावल तेल मसाला साबुन ये सब आप लेके आया था, अब इस हफ्ते उन्हें लाने दो। कब तक खर्चा उठाते रहेंगे आप उनका? कभी उन्हें भी मौका दो उठाने का हमारा। इतने से कुछ हो नहीं जाएगा, तुम भी ऐसे कर रहे हो जैसे हम भूखे नंगे मर रहे हो। हाँ तो लुटा दो, तुम्हारे तो बीवी बच्चे हैं नहीं है, सब लुटा दो, लुटो लुटो लुटो, ठीक है? तुम औरतों का भी हमें कुछ समझ नहीं आता, ना कभी आ सकता है। इतनी जलन काहे की रखते हो यार तुम। सुनो। हाँ, सिर्फ हरी साग सब्जी लाना, बाकी का जेठ जी लाएंगे। खर्चे तो उन्हीं के हैं, दो बेटे बेटियां हैं, जेठानी जी के इतने सारे खर्चे हैं, पार्लर वालर जाती हैं, वहां के खर्चे हैं, और वो राशन में लेके आते हैं पास्ता मैक्रोनी। बताओ हम कौन सा खाते हैं पास्ता मैक्रोनी? इसलिए जेठ जी को ही लाने देना, हम नहीं लाएंगे साग सब्जी के अलावा और कुछ। ध्यान रखना मेरी बात का।